बेडरूम से शुरू करके ड्राइंग रूम तक आएंगे, इस्लाम बदल जाएगा, घर के बाहर रखेंगे इस्लाम बदल जाएगा, मस्जिद में जाएंगे तो लिखा कुछ और है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, किसी काफिर से मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग से मिलेंगे, वहां पे फिर इस्लाम के दूसरे जो है आपको गाइडलाइन आ जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन बदल जाता है। सत्य एक होता है, चाहे वैज्ञानिक से देखिए, दृष्टिकोण से चाहे उससे, ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक ये लोग दूर नहीं करेंगे ना, तब तक ये जो उल्फत टाइप की छाई हुई है इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामोफोबिया जो बन रहा है, उसके लिए दूसरे लोग वो नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगा, ये हमेशा फोर्स करते हैं कि आप कुरान पढ़िए, आप इस्लाम को समझिए। अरे हम क्यों पढ़े, दूसरे धर्म के लोग क्यों पढ़े, हमारे पास 500 काम और है। गलती आपने की है, करेक्शन, क्या आपके पास इतनी भी अकल नहीं है कि आप खुद पढ़ के समझ करके दूसरों को देख के करेक्ट कर लें। एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मैं पढ़ूंगा ना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, कहाँ गलत लिखा था। तो इन देखिए, अभी भी ये एक जाल है, पूरी दुनिया के लोगों को ये पॉजिटिव वे में, सॉफ्ट वे में बोल रहे हैं कि भाई आप पढ़ो, आप समझो, ट्रांसलेटेड बुक्स है। दुनिया के पास टाइम नहीं है साहब, दुनिया वही करेगी जो फ्रांस और जर्मनी सब लोग कर रहे हैं। अगर आपको बदलना है, आपको तरक्की याफ्ता बनना है, तो आप पढ़िए, आप बदलिए, आप चेंज करिए, दुनिया को मत बोलिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये सारी उल्फत खत्म हो जाएगी। नहीं, सुनिए, मैं मानता हूं गलत है, लेकिन जो मौलाना लोग बोलते हैं, हम इस्लाम को ऐसे ही समझेंगे सर, हम मक्का मदीना और मदरसे में जाके पढ़ के हम तर्जुमा नहीं करेंगे इस्लाम का। जो आप बोलोगे, जो दुनिया बोलेगी और एक्ट करेंगे, हम उसी हिसाब से आपका परसेप्शन बनाएंगे और दुनिया उसी हिसाब से बनाएगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग देखिए, मन, क्रम और वचन, टेक्स्ट में क्या लिखा है, कुरान हदीस में क्या लिखा है, उसके बाद आप बोलते क्या है, प्राइवेट अपने मस्जिद में क्या बोलते हैं और पब्लिक में क्या बोलते हैं, या किसी डिफरेंट मंच पे, प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोलते हैं, और प्रैक्टिस क्या करते हैं, प्रैक्टिस में भी डिफरेंस है। अपने ख्वाबगाह में क्या प्रैक्टिस करते हैं, ख्वाबगाह के बाहर क्या प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद दूसरे कौम, दूसरी सभ्यताएं मिलती हैं तो क्या प्रैक्टिस करते हैं। हर जगह आपके पैरामीटर क्यों बदलते हैं साहब? और दुनिया को नसीहत मत दीजिए कि इस्लाम समझिए, पहले मुस्लिम लोग इस्लाम को समझ लें, फिर दुनिया जाएगी। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है सर, हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अपने तब्दीली अपने आप अंदर लाने के लिए, हमारे पास 500 चैलेंज है पढ़ने पढ़ाने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए हम बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है दुनिया में। दुनिया में एक ही टाइम है जो फ्रांस कर रहा है। इसी निशा तरीके जी, का आप बहुत कम है कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा हमारे तो पास। चेंजेस ऐसे ही नहीं होते हैं। ये वही सऊदी अरबिया है जहां पे जेब में श्री राम की या भगवान की फोटो रखने पे भी जेल या गला वाला कटता था। ये वार्निंग लिखी रहती थी वहां पे, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे उतरते थे, दो चार वार्निंग होती थी। इतने सालों तक इन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म को कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो है हृदय बड़ा उदार हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीछे भारत और भारत भूमि की एक खूबी रही है मैम, हम लोगों का हृदय परिवर्तित कर देते हैं। हम बड़े से बड़े जो है बेकार आदमी को, गंदे आदमियों को, गंदी सभ्यताओं को, क्रूर सभ्यताओं को, राजाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण है डाकू अंगुली माल का उदाहरण देख लीजिए। देखें, इसमें जो मिश्रा साहब ने काफी वजाहत की है और अपनी जगह दुरुस्त है एकेडमिक के, जो जैसे मिश्रा साहब के पॉइंट हैं वैलिड हैं। और जहां तक जी गजवे हिंद का सवाल मिश्रा जी ने किया था, 1400 साल में जिस एरिया से, मैं पूरे गल्फ की बात करूं, उस डायरेक्शन की, इसके पहले तो हमेशा आती थी, घुड़सवार आते थे और हाथ में नंगी तलवार लेकर के आते थे। मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए बोलता हूं कि पहली बार मदद के नाम पे गैस का टैंकर आया हुआ है, ऑक्सीजन का, पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रामायण और गीता वगैरह को। अदरवाइज इसके पहले आप इतिहास उठा के देखिए, वो सारे इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जब मन होता था तब घुड़सवार आते थे, तब तो गारत मचाते थे। मौलाना साहब बहुत होशियार है, मैं इनको जानता हूँ। भाई दुनिया या हम क्यों पढ़े, आप मुसलमान हैं आप समझिए ना। मैं मानता हूं कि आपने समझा है, मुसलमानों ने समझा है, मुसलमानों ने तो समझा है, जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है। मैं कुरान के मामले में अनपढ़ हूं तो दुनिया तो वही समझेगी। तो बेहतर यह है कि जैसे मैं एक जुमला बोलता हूं कि भाई उल्टा नमाजी मौलवी को डांटे, हमें रास्ता दिखाने की जगह आप इस्लामिक वर्ल्ड को, जो मुसलमान है उनको बताइए कि कुरान को आप अच्छे तरीके से समझिए। हम जहां समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, चींटी मारना भी पाप है, हम समझ रहे हैं।
आज के हमारे शो के मेहमान हैं कनाडा से टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक बैरिस्टर हामिद भसानी साहब। हामिद साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और भारत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा साहब। मौलाना साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी नमस्कार, साहब सलाम अलैकुम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल हामिद साहब आपसे है, ये जो बदलाव हो रहा है सऊदी अरब जिस तरह से स्कूली शिक्षा में रामायण और महाभारत को शामिल कर रहा है, इस पॉइंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और सबको मेरी तरफ से आदाब। बात यह है कि देखें, ये तो सऊदी अरब हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक ऐसा कदम उठा रहा है जो ना सिर्फ सऊदी अरब का, जैसा कि आपने कहा, बल्कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका मकदर बदल सकता है। क्योंकि हमारा तजिया ये है कि जो मकदर नेगेटिवली बदला है इस्लामिक वर्ल्ड का ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स, और स्पेसिफिकली जो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इस तरह के मुल्क जो तबाह बर्बाद हुए, उसके पीछे भी सऊदी अरब के जो पॉलिसीज थी उनका एक बड़ा हाथ रहा है। और उन पॉलिसीज का ताल्लुक जो है वो जाके 78-79 से बनता है, जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के हवाले से एक जो इंटरवेंशन हुई और उसके बाद जो वाकयात हुए, उसकी वजह से, जैसा कि आपने भी कहा और ये अब नाउन फैक्ट है, हम सब जानते हैं, और जो सऊदी लीडरशिप है उसने तस्लीम किया है कि उन्होंने वेस्टर्न कुवतों की हिमा पे, उनके कहने पे जो है वो सऊदी अरब के अंदर एक जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिसीज थी उनको सपोर्ट किया, उनको लॉन्च किया, और उनको बाकी इंटरनेशनली जो इस्लामी दुनिया में जहाँ कहीं भी उनका पांच थी उसको उन्होंने प्रोमोट करने की कोशिश की जी। बाकी मुल्कों का तो खैर आपको पता होगा इंडिया में क्या सिचुएशन थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो तबाही और बर्बादी का एक तूफान आया जिसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और शिदत पसंदी को इतनी बड़ी हवा मिली, और ये जो दहशतगर्दी हुई और खून खराबा हुआ, कत्लो गारत करी हुई, इसके पीछे बुनियादी तौर पे ये जो एक पॉइंट था लाजमी किस्म का, यानी अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% इसमें यह था कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से और सऊदी अरब और दूसरे ममालक ने मिलके तो जो जहाद के नाम पे जो कार्रवाइयां करने की कोशिश की उसका ये फॉल आउट था। और उसमें जाहिर है कि बुनियादी तौर पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें के बहुत सारे मदरसे कायम हुए, मसाजिद इस तरह की मार्ज़े वजूद में आई ओवरनाइट, या फिर ऐसे शेल्टर सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर आए जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ और अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी फंडिंग बुनियादी तौर पे जो है वो या सऊदी अरब से हुई या कुवैत से हुई या यूनाइटेड अरब एमिरेट से हुई। और जाहिर है ये फंडिंग दो तरह की थी, एक तो कम्प्लीटली जो है वो सरकारी सतह पे थी जिसको ऑफिशियली आप कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरे जो प्राइवेट पार्टीज थी जो इस तरह के वेल्दी लोग थे वो भी जो फंडिंग कर रहे थे वो भी विद दी कंसेंट और आशीर्वाद थी उनको भी गवर्नमेंट की, यानी ये नहीं कि वो कोई अपने तौर पे बल्कि उनके कहने पे इनकरेजमेंट पे जो है वो इस पे आ गए थे। और उसकी वजह ये थी कि ये सारा जो प्रोसेस था इसको स्टेट की सरपरस्ती में, स्टेट की सुपरविजन में जो है बाकायदा इसको लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से ये सारा जो है फॉल आउट हुआ, उसके नतीजे में जो कुछ हम सब ने भुगता वो हमारे सामने है। तो अब आके अगर 20-30 साल के अरसे के बाद बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी के बाद सऊदी अरब ने ये रियलाइज किया कि हमारी पॉलिसियां गलत थी, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया ओपनली, जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये हमने वेस्टर्न फोर्सेस की हिमा पे किया था और अब हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक दिलेरी की बात है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये इसका एक पॉइंट है जो वेस्टर्न फोर्सेस की जो जरूरियात थी, जो उस वक्त एक इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट लड़ाई थी उसके अंदर, लेकिन एक जरूरत होती है सोसाइटी की अपनी,
कि जहां पे आप सोसाइटी के अंदर से जो है वो आजादियां छीनते हैं अपने किसी भी नजरिए की बुनियाद पे, हुआ वो आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो या मॉडर्निज्म हो या डेमोक्रेसी हो, कोई भी नजरिया है, लेकिन जब आप अपने अवाम के हुकूक छीनना शुरू हो जाते हैं और उन पे एक इस तरह की अपनी एक आइडियोलॉजिकल चीजें इम्पोज करते हैं कि मसलन आपकी ख्वातीन ड्राइव नहीं कर सकती, आपको पर्दा करना पड़ेगा, या आपको ये चीज जो है वो इस तरीके से जो तर्ज जिंदगी है आपको इस तरह नहीं बल्कि इस तरह अपनाना पड़ेगा, यानी जो आप सोसाइटी को डिक्टेट और डायरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं अपने जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नजरियात की बुनियाद पे, तो वो मैं समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जो सोसाइटी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की के रास्ते में बनता है। और इस्लामी दुनिया में जितने तरक्की के रास्ते में रुकावटें हैं उनमें सबसे नुमायां तरीन रुकावट हिस्ट्री में जो रही है वो यही एक हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि सोसाइटी को पाबंद करने की कोशिश की जाती रही अननेचुरली, कि आपका कोई भी नजरिया, ख्वाह वो आप इस्लाम के किसी एक फिरके से मुतल्लिक हैं, ख्वाह आपको इस्लाम के 1% भी जो जूरिस्ट हैं कानूनदान हैं उनकी हमायत भी हासिल नहीं है, लेकिन आप ताकत के जोर पे या अमरीत के जोर पे, डंडे के जोर पे अवाम को जो है बंदूक की नाली के जोर पे जो है वो जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं या एक खास लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है जिसके नतीजे में ना सिर्फ इस्लामी दुनिया सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गई, नजरियात के हवाले से बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गई, बल्कि उनके तरक्की के सारे रास्ते रुक गए और एक दो नस्लें जो हैं वो तकरीबन जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई। इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो आप कंपैरिजन करके देख लें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तालीम में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, किसी चीज से भी आप कंपेयर करके देखें, वेस्ट को तो छोड़ें, आप अपने मुल्कों से इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इस तरह के अपने इर्द गिर्द के ममालिक या आप जैसे ममालिक जो हैं उनसे कंपेयर करके देखें तो आपको ये सामने नजर आएगा कि एक बहुत ही खौफनाक हद तक जो है वो मायूस कुन सूरत हाल डिवेलप हुई हमारी जो इस्लामी दुनिया में, महज ये जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है और ये जो रिएक्शनरी थिंकिंग थी इसकी वजह से। तो इसको अगर अब उन्होंने चेंज करने की यह बेड़ा उठाया तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ी जो है वो अप्रिशिएट करने की बात है। जहां तक बात हुई आपकी असल जो कि अगर वहां पे वो रामायण या दूसरी जो मुकद्दस किताब गीता है या कोई और मुकद्दस किताब है हिंदू मजहब की या बुद्धिज्म की या किसी और मजहब की वो पढ़ाना चाहते हैं, देखें दुनिया में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं जब कहता हूँ जब हम, तो वो कोई 100 साल पुरानी बात नहीं, कल तो जी हमारे यहाँ जो है वो इस्लामियात की जगह दीनियात पढ़ाते थे। दीनियात जो है ना, यानी जो थियोलॉजी है जिसमें के उसमें होता था कि जी बुद्धिज्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या है, यानी एक इंट्रोडक्शन टू द रिलीजन्स था जिसको हम दीनियात कहते थे और उसको हम पढ़ते थे और उसको हमारे सारे लोग स्कूलों में, हमारी क्लास में दीनियात थी, इस्लामियात नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है डेलिबरेटली जो है वो सोसाइटी में लाया गया जो गलत तरीके से और गलत सोच की बुनियाद पे। तो सऊदी अरब अगर ये कहता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी नॉलेज वसी हो, वो कुरान शरीफ के साथ साथ जो है वो दूसरी इस तरह की किताबें भी पढ़ें ताकि उनको पता चले कि दुनिया में दूसरे मजाहब भी हैं और उनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मजहब की है, तो इससे दुनिया में एक टॉलरेंस और भाईचारा और मोहब्बत जो है वो डिवेलप होगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और आई विश के पाकिस्तान में भी इस तरह के कदम के बारे में कोई कभी सोच सके, क्योंकि आज हालत ये हो गई जिस वक्त सऊदी अरब जो है फंडामेंटलिज्म के रास्ते पे चला था उस वक्त पाकिस्तान एक मॉडरेट रोशन ख्याल कंट्री थी, आज जो सऊदी अरब जो है वो एक मॉडरेट कंट्री के तौर पे इमर्ज हो रहा है और जिस तरह के वो ऐलानात कर रहा है उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक रिएक्शनरी कंट्री है जिसके अंदर ये बात तक भी करना कि आप यहाँ पे गीता बच्चों को पढ़ाएं या इस्लामियात की जगह दीनियात पढ़ाएं और बाकी मजाहब भी पढ़ाएं, एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल कंसेप्ट समझा जाएगा। तो आई होप के वो इनिशिएटिव लें सऊदी अरब, चूंकि सऊदी अरब का एक लीडिंग रोल है तो वो अगर लें तो मुमकिन है उसकी वजह से इस तरह के बाकी मुल्कों पे भी असर पड़ेगा और जिंदगी जो है वो
निस्बतन मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाएगी। मौलाना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हामिद साहब की आपने बात सुनी, आप उनकी बात से कितना इत्तफाक रखते हैं और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए डॉक्टर साहिबा, हमीद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक नजरिए को रखा है, लेकिन पहले एक बात मैं आपके दर्शकों को वाजह कर देना चाहता हूं कि सऊदी अरब में अब तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्लान सामने नहीं आया है कि उन्होंने रामायण पढ़ाने का या गीता पढ़ाने का कोई ऐसा प्रावधान रखा हो या ऐसा प्रोविजन रखा हो, अभी तक तो नहीं है। ना तो उनकी किसी वेबसाइट पे, मैंने परसों से जब से आपसे हमारा रابطہ हुआ है हमने सर्च किया है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो बुरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मदीना यूनिवर्सिटी में दो सब्जेक्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म ये पढ़ाया जा रहा है, अभी कुछ चीजें और पढ़ाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब है हम हामिद साहब की पूरी बात से सहमत हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है और मैं तो सऊदी अरब का आज शुक्रगुजार इसलिए हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे भारत की ऐसी मुसीबत में मदद की है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि हमें ऑक्सीजन दिया। हमें खुशी इस बात की है कि सऊदी अरब ने इस चीज को समझा कि भाई हम भी उनके। अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ का जो गोदी मीडिया है, इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि वहां ये पढ़ाया जा रहा, वहां ये पढ़ाया जा रहा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल अमेरिका से निकला, उस अमेरिका, हमारे यहाँ क्या है, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज जरा सी निकलती है पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इसके साथ भी वही हुआ है कि चार पांच सात चैनलों का मैंने सर्च किया है तो चार पांच चैनलों ने इसको बहुत चलाया है कि साहब सऊदी अरब में ये हो रहा। देखिए अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि इस्लाम में एक हदीस है, हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इल्म हासिल करो चाहे मुल्के चीन जाना पड़े। अब मुल्के चीन जाने का मतलब उस वक्त ये नहीं था कि सऊदी अरब से दूर बहुत है चीन, ना, मसला ये था कि चाइना में वो टेक्नोलॉजी पैदा होगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, मेरे नबी ने वो इरशाद फरमाया था, इसलिए मुल्के चीन का तस्किरा किया था। अब जहां तक सवाल सऊदी अरब में गीता पढ़ाने का है या रामायण पढ़ाने का है, देखिए ये हमारे यहाँ की दिल्ली हिंदुस्तान की हमारे हिंदू भाइयों के लिए मुकद्दस किताबें हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी इसका एहतराम करना चाहिए। और अगर ये पढ़ाया जाता है तो इसमें बुरा क्या, जितना ये पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ डॉक्टर मनु साहिबा, जितना सऊदी अरब में रामायण को पढ़ाया जाएगा, गीता को पढ़ाया जाएगा, उतना इस्लाम समझ में आएगा लोगों के। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपके चैनल पे, जितना गीता पढ़ाया जाएगा, जितना रामायण पढ़ाया जाएगा, कहीं ज्यादा लोगों की समझ में इस्लाम आएगा। और एक तस्किरा हमिद साहब ने तस्किरा किया है, कुछ साल पहले सऊदी अरब भटक गया था। मैं एक बात बता दूं, देखिए इस्लाम में दहशतगर्दी का कहीं कोई भी जर्रा बराबर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस्लाम में, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नजरिया पेश किया है कि इस्लाम में कत्लेआम है, इस्लाम में ये कर दो, अल्लाह अकबर कह करके किसी की जान ले लो। मेरे पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, चूंकि मैं एक मौलवी हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम तक सही बात पहुंचे, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि आपके पेट में उस वक्त तक दाना नहीं जाना चाहिए जब तक आपका पड़ोसी भूखा है। और पड़ोसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कैद नहीं लगाई पैगंबर इस्लाम ने, बल्कि ये फरमाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। और जहां तक गर्दने काटने का सवाल है, एक बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं आपके चैनल पर, जो इस्लाम हरे भरे दरख्त काटने की इजाजत नहीं देता इसलिए कि वो सायादार दरख्त किसी के साये के काम आ जाए, वो इस्लाम गर्दन काटने का परमिशन कैसे देगा? लेकिन लोगों ने इस्लाम को समझा नहीं है, अपना नजरिया थोपा है कि साहब देखिए इस्लाम ये कह रहा है। इस्लाम पहले इस्लाम को समझना चाहिए। अब सऊदी अरब जिस लाइन पे, जैसा हामिद साहब ने कहा है, मैं सलमान साहब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। अब जो उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने ज्यादती की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इस्लाम में तरीका नहीं है, जैसे सिनेमा हॉल खोल देना, मॉल खोल देना, ये करना, वो हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जो और तब्दीलियां आई हैं, मैं 2018 में हज पे गया था, मैंने देखा वहां कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कितने दिल के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं आपके मेन पॉइंट पर, आपने जो स्लोगन बनाया है अपना, स्लोगन अच्छा है आपका, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत सलीके से आपने उसको राम का अवतार जिस तरह से आपने लिखा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं सऊदी हुकूमत से आपके चैनल के माध्यम से कि आप इन किताबों को पढ़वाइए ताकि लोगों की समझ में आए कि इस्लाम क्या सिखाता है। और एक बात मैं
शायद हामिद साहब हमारी बात से इत्तफाक करेंगे, मिश्रा जी हमारे बड़े अच्छे आदमी हैं, ये इत्तफाक करेंगे। डॉक्टर मनु साहिबा, एक लफ्ज बोलता हूँ आपके चैनल पे, मैंने कभी ये चैनल पे नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, आतंकवाद का सवाल है, एक बात नोट कर लीजिए, जो मुसलमान है, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, ईमान वाले की बात कर रहा हूं, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इससे बड़ी बात मैं और नहीं बोल सकता। मैं मिश्रा जी का एक कमेंट लेना चाहूंगी। मिश्रा जी, रजा साहब ने जो अभी बातें कही उससे आप कितना इत्तफाक रखते हैं, और वो रिसर्च करके कह रहे हैं, जबकि हम उनको रिसर्च करके लिंक भेज देंगे कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है कि वहां पे ये पढ़ाया जाएगा, ये प्रिंस सलमान का 2030 विजन के तहत ये चेंजेस हो रहा है वहां पे, और आपका रिसर्च शायद थोड़ा अधूरा रह गया होगा, हम भेजेंगे। लेकिन दूसरी चीज आपने जो मौलाना साहब वो कही कि इससे इस्लाम को समझने में आसानी होगी, मुझे एक बात बताइए, जब इस्लाम में कुरान इकलौती मौजूद है जो पूरे इस्लाम को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ के इस्लाम को समझने का ये कंट्राडिक्टिव सा थोड़ा सा हो गया, जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी चीज जो आपने एड ऑन की कि भाई प्रिंस सलमान ने कुछ जो बदलाव किया, मॉल्स खोले या ऐसी चीजें खोली, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मतलब ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, उन्हें अभी भी बंद समाज के रूप में रहना चाहिए। आपसे इन पे मैं जरूर फीडबैक लूंगी, पहले मैं मिश्रा जी से जानना चाहूंगी। जी मौलान साहब, आपके पास आऊंगी मैं, पहले मिश्रा जी से एक बार पूछ लेती हूँ। मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, कुछ भी बोलने के पहले दो तब्दीलियां बड़ी जबरदस्त हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि भाई जो उन्होंने हमको ऑक्सीजन का टैंकर भेजा उसके लिए थैंक्स, ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे देखें तो ह्यूमन बीइंग की मदद करनी चाहिए, ये उनका एक पहला अप्रोच रहा है, पहली बार। जो दूसरा जो ये है कि रामायण महाभारत गीता वगैरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, मैं बोलता हूँ ठीक है, हो सकता है कानूनी जामा अमला न पहनाया हो वहां की गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर ऐसे बात चल रही है या वहां के कानून में, वहां के राजघराने के लोगों में जो टॉप लेवल है उनके दिमाग में एक ऐसी बात चल रही है, पॉजिटिव ख्याल चल रहा है, तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं। देखिए इसमें सबसे आश्चर्य की बात क्या है, 1400 साल में जिस एरिया से, मैं पूरे गल्फ की बात करूं उस डायरेक्शन की, इसके पहले तो हमेशा आती थी, घुड़सवार आते थे और हाथ में नंगी तलवार लेकर के आते थे। मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए बोलता हूं कि पहली बार मदद के नाम पे गैस का टैंकर आया हुआ है, ऑक्सीजन का, पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रामायण और गीता वगैरह को। अदरवाइज इसके पहले आप इतिहास उठा के देखिए, वो सारे इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जब मन होता था तब घुड़सवार आते थे, तब तो गारत मचाते थे। मौलाना साहब बहुत होशियार हैं, मैं इनको जानता हूँ, जब जरूरत होती है सिक्के का हेड दिखाते हैं, सिक्के का टेल दिखाते हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई जो मुसलमान है वो ये नहीं हो सकता आतंकवादी, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, कुरान में हदीस में सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी है। भाई दुनिया या हम क्यों पढ़े, आप मुसलमान है आप समझिए ना, मैं मानता हूं कि आपने समझा है, मुसलमानों ने समझा है, मुसलमानों ने तो समझा है, जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, मैं कुरान के मामले में अनपढ़ हूं तो दुनिया तो वही समझेगी। तो बेहतर यह है कि जैसे मैं एक जुमला बोलता हूं कि भाई उल्टा नमाजी मौलवी को डांटे, हमें रास्ता दिखाने की जगह आप इस्लामिक वर्ल्ड को, जो मुसलमान है उनको बताइए कि कुरान को आप अच्छे तरीके से समझिए। हम जहां समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं, चीटी मारना भी पाप है हम समझ रहे हैं, हम नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हामिद सर ने जो बोला मैं आपको बताऊं, बहुत बुजुर्ग है, जीनियस है, चेंजेस ऐसे ही नहीं होते हैं। ये वही सऊदी अरबिया है जहां पे जेब में श्री राम की या भगवान की फोटो रखने पे भी जेल या गला वाला कटता था, ये वार्निंग लिखी रहती थी वहां पे, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे उतरते थे दो चार वार्निंग होती थी। इतने सालों तक इन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म को कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो है हृदय बड़ा उदार हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीछे भारत और भारत भूमि की एक खूबी रही है मैम, हम लोगों का हृदय परिवर्तित कर देते हैं, हम बड़े से बड़े जो है बेकार आदमी को, गंदे आदमियों को, गंदी सभ्यताओं को, क्रूर सभ्यताओं को, राजाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण है डाकू अंगुली माल का उदाहरण देख लीजिए, और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको देखूंगा, सिकंदर के साथ लड़ाई हुई, रिश्तेदारी हो गई वहां पे, उसके सेल्यूकस की बिटिया के साथ जो है शादी हो गई यहाँ पे। यानी जो एकदम से अशांत है, क्रूर सभ्यताएं रही है, जब वो भारत के संपर्क में आती है तब वो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये भारत की खूबी है। अभी जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री या एज ए कंट्री देखा जाए, उन्होंने गल्फ कंट्री से इंटरैक्ट किया, उसके पीछे एक रीजन ये भी है। अब थोड़ा सा हम ब्लंट इसकी एनालिसिस करते हैं,
अभी तक सऊदी अरेबिया का क्या था, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की आप देखिएगा जब से उत्पत्ति हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए कई तरीके की चीजें यूज करते हैं, उसमें एक रिलीजन भी है, राजशाही बची रहे उसके लिए रिलीजन का भी बखूबी प्रयोग किया जाता है। 70-80 सालों तक, यानी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये तकसीम हुआ, अलग हुए आपका खिलाफत और सऊदी अरेबिया एक अलग देश बना, पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए, वहां पे कब्जा करने के लिए इन्होंने वहावीज्म को फैलाया, मस्जिदों को हर जगह इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने दुनिया के जितने भी मुसलमान के लोग हैं उनको इल्म से दूर रखा और बोला कि भाई तुम कोई काम हुनर मत करो, केवल नमाज पढ़ो, केवल मस्जिद में जाओ, वहावीज्म फैलाओ। रीजन क्या है, या तो उन्होंने कुरान को इंप्लीमेंट किया, या राजशाही ने, या मौलानाओं ने, उलेमाओं ने गलत पढ़ाया, ये उनका इंटरनल मैटर है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसकी व्याख्या करेंगे, हम समझेंगे। आपने बिगाड़ा है, आप उसको समझिए। और हम इस्लाम और हदीस पे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर धर्म ग्रंथ बहुत अच्छी चीजें बताता है। अब चेंजेस कहाँ पे हुए, मैं आपको बता दूं, चेंजेस यहाँ पे हुए कि पेट्रोल जो पैसा आता था, अब उनको अकल आ गई है कि अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, दुनिया में रहना है तो इल्म होना जरूरी है। ये बोलते हैं 1400 सालों से कि इल्म के लिए चीन जाओ, इनकी हकीकत ये है कि जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, इजाद हुई, टर्की के खलीफा ने बोल दिया ये हराम है। 500 ऐसी चीजें गांव-गांव से लेके बड़े बड़े शहरों में मौलाना लोग इस्लाम का हवाला दे के, हदीस का हवाला दे के हराम कर देते हैं। कोरोना का टीका बना, न जाने कितने लोगों ने उसको हराम करार दे दिया, फतवा दे दिया। इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और इन्होंने जानबूझ के, ये उदार हृदय के नहीं हुए हैं, इनके ऊपर मल्टी डायमेंशनल प्रेशर पड़ा है, भगवान ने, खुदा ने इनको अकल दे दी है। टर्की इनके कॉम्पिटिशन में खड़ा हो रहा है, पेट्रोल के कारण इनकी इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। अभी जब गल्फ वगैरह कंट्री ने, सऊदी अरेबिया ने बोला भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, रशिया ने मना कर दिया, बोला हम तो और प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है ही, वहां पे उनकी इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी है। यूएई ने भी इसीलिए किया। अब इनके ऊपर प्रेशर, मिलिट्री का प्रेशर है, ग्लोबल कम्युनिटी का प्रेशर है, इनको ये लग, अच्छा हिस्ट्री भी इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये अभी भी गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, पालते हैं, गजवाए यूरोप का इनका अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहावीज़म को बदल करके इनको ये लग, देखिए पॉपुलेशन भी कितनी है गल्फ की, मैं बताऊं अगर पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो जाए, ये ना तो मिलिट्री में आगे हैं, ना इल्म में आगे हैं, ना डॉक्टरी में, ना मेडिकल में, कहीं इवन पेट्रोल वगैरह भी फॉरेन के इंजीनियर वगैरह निकालते हैं, सड़क और गलियां भी, इल्म तो है ही नहीं इनके पास। अब ये इनका रूप बदल रहा है, क्योंकि इनको अब हकीकत जो है दुनिया की देखनी पड़ रही है। इसमें मैं कोई विशाल हृदय नहीं मानता हूँ, इसके पीछे जो फैक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबल जो है वो प्रेशर है, टर्की इनके उसमें आ रहा है, इसराइल से अलग खतरा है, इकोनॉमिक प्रेशर है, इनको लग रहा है कि अगर हम इसी रवैये पे, जो हम 1400 साल के जिस रवैये पे चलते रहे हैं, आप कभी इमेजिन कर सकती हो, बोलते हैं कि कुरान में एक नुक्ते की जो है वो इजाजत चेंज नहीं किया जा सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन ये हो रहा है कि काफिर के जो सब्जेक्ट हैं, या मंदिर वहां बन रहा है या पढ़ाया जा रहा है, ये तो दो मुख्तलिफ विचार मैं देख रहा हूं। तो बिना किसी प्रेशर के ये ऐसा नहीं हुआ है, इनको ठीक है, भगवान ने सद्बुद्धि दी, देर से दी, खुदा ने दी, मैं भगवान नहीं बोलूंगा, खुदा ने सद्बुद्धि दी, और मैं ये मानता हूं कि खुदा ने अच्छी चीजें ही बोली हैं, अब अच्छी चीजों को ये इंप्लीमेंट करने पे आए हैं। अदरवाइज ये दवा को हराम देते हैं, ये टीके को हराम देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को हराम देते हैं, 120 करोड़ की, मतलब यूरोपियन कंट्री, इंडिया, दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम है सबको ये हराम देते हैं काफिर बोल के, सारी नॉलेज को ये हराम देते हैं जो वेस्टर्न ने या किसी और कंट्री ने खोला हुआ है। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो भी रहा हो, देर आए दुरुस्त आए, और मैं इसको वेलकम करूंगा, ओपन हार्ट से वेलकम करूंगा, रेदर देन एनी कंट्री या एनी रिलीजन वगैरह को करके। और मैं चाहूंगा कि भगवान या खुदा और जल्दी इन लोगों को सद्बुद्धि दे, इसका एक ड्रॉबैक होगा, ये जब सॉफ्ट होंगे ना तो उनकी जगह लेने के लिए एक दूसरे खलीफा बैठे हुए हैं, टर्की उभर रहा है, अब ये सारी चीजें टर्की इस्लामाइजेशन की तरफ, कट्टरपंथ की तरफ, खुदकुश बम्बार पैदा करने के लिए एक जमीन और तैयार हो रही है, वो टर्की है। इस पे हम बाद में करेंगे, या हामिद सर ज्यादा बेटर बताएंगे। तो हामिद सर इस पे एक रोशनी डालिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मिक्स क्यों हो रहा है सब कुछ। देखें, इसमें जो मिश्रा साहब ने काफी वजाहत की है, और मौलाना साहब ने भी जो बात की जिस पे इख्तलाफ की बात आती है,
पहली बात यह है कि सऊदी अरब में अगर वो रामायण या गीता पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों को कोई ऐसा निसाब देंगे कि जी ये किताबें आप पढ़ें और इनसे सीखें, बल्कि वो एक इंट्रोडक्टरी किस्म का एक वो देंगे कि ये भी मजाहब हैं और इनके ये खास खास बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले दीनियात की बात की जी है ना। तो वो इनकी बात से मैं इतफाक करता हूँ कि ये उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं उसके मुताबिक वो अपने आप को बदल रहे हैं। इसका मतलब थैंक यू इनका सर। बिल्कुल दुरुस्त है कि अचानक कोई विजडम नहीं उतर गई। डेफिनेटली ये विजडम इस्लामी दुनिया में हमेशा से मौजूद रही है और इस्लामी दुनिया में कई मकातब फिक्र हैं, यानी मकातब फिक्र मीन स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस्लाम है ही जहाद, जैसा कि इनकी बात पे इख्तलाफ आपको नजर आया। कुछ दहशत गर्दी को ही असल इस्लाम मानते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल एक माखी मारने तक को भी जो है वो इस्लाम के खिलाफ। तो ये चीजें तो हमेशा इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जेरे बहस रही हैं, मसला ये नहीं है। और इस तरह की मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन पूरी इस्लामी दुनिया में मौजूद है। असल सवाल ये है कि जब रियासतें जो हैं वो सरकारी सतह पे किसी एक नजरिए या ख्याल या आइडिया को प्रोमोट करती हैं, जैसे कि माजी में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोमोट किया गया सऊदी अरब या पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप है उसको मिला के अफगानिस्तान की आड़ में, तो तब ये एक प्रॉब्लम बनता है, चूंकि ये फिर इस्लाम को पोलिटिकलाइज करके एक नजरिए और टूल के तौर पे यूज करते हैं दूसरी अकवाम के खिलाफ या अपने अवाम के खिलाफ, तब ये जाके एक प्रॉब्लम बनता है। वरना दुनिया के हर मजहब में डाइवर्सिटी होती है, उसमें ओपिनियंस का डिफरेंस, खुद हिंदू इज्म में आप देख लें, बुद्धिज्म में देख लें, कई शेड्स ऑफ ओपिनियन है, लोग अपना अपना काम करते हैं, किसी को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं कि ये ऐसे क्यों सोच रहा है और वो ऐसे क्यों सोच रहा है। प्रॉब्लम तब बनता है जब आप इसको एज ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स सोसाइटी में लेके आते हैं और बाजोरे कुव्वत जो है ताकत के जोर पे दूसरों पे उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो इनके दरमियान बहस थी वो ये है। रहा सवाल ये कि इस्लाम जो है दहशत गर्दी में, मुसलमान दहशत गर्द नहीं हो सकता या जो दहशत गर्द है जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये इतनी परफेक्ट किस्म की स्टेटमेंट है कि इस पे अगर लोग ईमान ले आए तो फिर तो दुनिया में सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेकिन साहब। ये है कि इसकी हमें ख्वाहिश है और हम भी इसके हक में हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हकायक ऐसे हैं कि आप पाकिस्तान में देखें इस वक्त एक दर्जन से ज्यादा ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किस्म की मूवमेंट हैं, तहरीकें हैं और पार्टियां हैं जो बाकायदा फंडामेंटलिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, जहाद के नाम पे दहशत गर्दी को प्रोमोट कर रही हैं। उनके खिलाफ आपको पता है एक इंटरनेशनल रिएक्शन भी हुआ, पाबंदियां लगाई गई, ये सारा कुछ हुआ, चूंकि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया कि ये हो रहा है और इस्लाम के नाम पे हो रहा है, चूंकि इसमें आपकी इस्लाम की अपनी अपनी ताबीर और तशरीह है। तो अगर सऊदी अरब जो है एज ए लीडिंग फोर्स इसलिए है कि वो खाना काबा और इस तरह की जो मुकद्दस जगह हैं उनके मालिक हैं, उसको वो लीड करते हैं, तो उनकी बात को ज्यादा गौर से सुना जाता है एक, और दूसरा वो इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू देयर ऑयल मनी जो कि अब कम होता जा रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस की मौजूदगी में अगर उनकी जो ओपिनियन है वो मॉडरेट हो जाए, उसके अंदर अमन की और मोहब्बत की बात हो, उसके अंदर जो है ये दहशत गर्दी और खून खराबे की मजम्मत हो, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़े। मैं समझता हूँ कि बहसें अपनी जगह दुरुस्त हैं, एकेडमिक के जो जैसे मिश्रा साहब के पॉइंट हैं वैलिड हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करनी चाहिए इस तरह की किसी भी कोशिश की, ख्वाह उसकी कोई भी रीजन है, लेकिन अगर दुनिया में अमन की तरफ कोई पेशकदमी हो रही है और हम लोग ये जंग और खून खराबा और इस तरह की कत्लोगारी गलतगरी से निकल के तो इंसानों की तरह इस दुनिया में रह सकते हैं। अपने अपने मजाहब हैं, कोई भी, अब जैसे मौलाना साहब ने कहा कि गीता पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेटमेंट है, क्योंकि हर मजहब के अंदर अपनी एक सेल्फ सफिशेंट किस्म की जो है वो तालीमात मौजूद हैं। तो जिसने इस्लाम पढ़ना है, बाज लोग हैं जो इस्लाम के अलावा कुछ नहीं पढ़ते तो वो तो समझते हैं कि बाकी दुनिया में कोई मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए जब आप सब मजहब पढ़ेंगे, उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उनका आपस में देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे टॉलरेंस
जो है वो पैदा होगी, और इसके लिए ये जो है मोहम्मद बिन सलमान को अगर उन्होंने नहीं भी किया तो इनकरेज करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं मेरी ये राय है। तो मौलान साहब आप हामिद साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और मिश्रा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहिबा मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी। मिश्रा जी ने जो कहा है कि कुरान में एक नुक्ते का भी गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि कुरान हमारा मुकम्मल हो चुका है, उसमें कहीं भी एक लफ्ज की भी गुंजाइश नहीं है। और अभी जो नेपाल से चल के चाइना से चल करके एक प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ खड़ा किया गया इसमें से 26 आयतें निकाल दी जाएं, और इस तरह से ये प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं जानते हैं आप? ये वो लोग हैं, ये अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, ठीक है ना। जैसे अभी पाकिस्तान का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, देखिए पाकिस्तान का मसला जानते हैं क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, भले हमारा खसम मर जाए स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए, ये 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 पाकिस्तान की मेंटलिटी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम वो दीन है जिसमें जर्रा बराबर भी तब्दील की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इस्लाम को समझा जाए तो, अब अगर लोग अल बगदादी से इस्लाम समझने लगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा, पाकिस्तान से अगर इस्लाम समझने लगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। इस्लाम को अगर समझना है तो कुरान से समझना पड़ेगा, जब कुरान समझ में नहीं आए फिर हदीस समझना पड़ेगा, जब हदीस समझ में नहीं आए तो हमें अपने सहाबा इकराम के अपने बुजुर्गों के अकवाल को समझना पड़ेगा, तब आपकी समझ में कोई चीज आएगी। अब जहां तक सवाल शाह सलमान साहब का कहा है, देखिए सलमान साहब बहुत दानिशवर आदमी है और दौरे जदीद में बहुत कुछ उन्होंने देखा है इस दौर में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आपके यहां नहीं भी हुआ है तो मैं हामिद साहब की बात को बड़ा करके हुए कहता हूं कि आप शुरू कीजिए उसको। मैंने इस्लाम को समझने की इसलिए कहा है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जब तकाबुल अधियान होता है, जब दो चीजें सामने होती हैं तो एक दूसरे की जो है मोहब्बत समझ में आती है। हमें हम लोग आज तक आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, जब से मुल्क आजाद हुआ है आज तक किसी भी मुसलमान ने कभी रामायण के बारे में, गीता के बारे में और पुराण के बारे में कभी एक लफ्ज की भी गुंजाइश नहीं रखी है कि किसी को भी बुरा कहा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में कभी कोई एक लफ्ज कहा हो। लेकिन इस्लाम को टारगेट इसलिए किया जाता है कि लोगों को मशहूर होने का बड़ा शौक है कि एक ऐसा टारगेट बनाइए आप फौरन मशहूर हो जाएंगे। जैसे एक बेहुदा उठा लखनऊ से आया, उसने कह दिया साहब 26 आयतें चेंज कर दी जाए। अरे पागल, जिस 26 आयतों को तू बदलना चाह रहा है, तू आज तूने पढ़ा है क्या 26 आयतें? तेरे 12 इमाम गुजरे हैं वो भी तो यही कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया था वो जो तेरी समझ में आ गया। ये सारी चीजें हैं। अब जहां तक सवाल मिश्रा जी ने एक बात कही है, मिश्रा जी बड़े दानिशवर आदमी हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात को घुमा करके कह दिया। देखिए मैं एक बात बता दू, मैं मिश्रा जी की बात को ही बड़ा करता हूँ, मिश्रा जी बहुत दानिशवर आदमी है वो समझ में आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि कुरान हमारे लिए एक मुकम्मल बाइलाज है, एक मुकम्मल बाइलाज है, उसमें हर चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में बताया गया, क्या हराम है क्या हलाल है। अब कोई अगर आदमी ये कह दे कि साहब ये चीज हराम हो गई ये चीज हलाल हो गई, मैं एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर की समझ में आएगा, अगर इस्लाम को समझना है तो कुरान समझ लो, आगे की गुंजाइश ही नहीं है कहीं नहीं। अगर आपकी कुरान समझ में आ रहा है तो आप हदीस समझ लो, आपके सब कुछ वाजे हो जाएगा। और आपके व्यूवर जो कहना चाहते हैं, जो मुझे नहीं पता क्या सवाल करेंगे वो, मेरी चूंकि पहली मरतबा आपके साथ बैठा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे नाज है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, और डंके की चोट पर कहता हूं इसलिए कि हमारे पैगंबर ने एक बात कही है, भारत वो मुल्क है जहां से ठंडी हवाएं आ रही। और एक बात आपको बता दूं, हवा तो आजकल गर्म है मौलाना साहब जी, हवा तो आजकल गर्म हो रखी है। नहीं, आजकल गर्म तो साहब इतनी हो रखी है कि डेली 3,000 लाशें उठ रही हैं, इतनी गर्म हो रखी है, डेली 3,000 में हो रखी है। मैंने तो दूसरी गर्म हवा की बात की है, कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया में दिक्कत है। देखिए आपने डॉक्टर साहिबा बहुत बड़ी बात आपने कही है, टारगेट हमारे मुल्क को किया जा रहा है, क्या दुनिया में कोरोना नहीं फैला है क्या? खाली भारत में ही कोरोना फैला हुआ है, सारे लोग टूट पड़े हैं भारत के ऊपर, खाली यही कोरोना फैला हुआ है क्या? अरे पूरी दुनिया में है, हम सस्ते मिल गए हैं, हमारे यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, कोई भी कुछ भी कह करके चला जाता है। अच्छा कुछ हमारे यहाँ के बड़बोलेपन के लोग हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा कुछ हमें दिक्कतें उठाना पड़ती हैं, वरना ठीक है। देखिए मौत बरहक है और सबको आनी है, किसको किस उम्र में आनी है सबका लिखा हुआ है,
इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं हामिद साहब से भी कहना चाहता हूं और मिश्रा जी से भी कहना चाहता हूं, हम मिलकर के डॉक्टर मनु साहिबा की सरपरस्ती में हम एक ऐसा मिशन उठाएं पूरे मुल्क में कि एक अमन भाईचारे का मैसेज जाए पूरे मुल्क में। और मुझे लग रहा जब आदमी करने पे उठता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मंजिल तक ना पहुंचे। मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन यहाँ पे आपने दो पॉइंट उठाए। अभी आपने कहा कि भारत में कभी भी राम के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद और जब राम को अपनी सारी पीढ़ियां सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रूफ करनी पड़ी, ये वही भारत देश है। दूसरा, एक मुस्लिम लड़की आपको जरूर याद होगा, उसने गीता का पाठ किया था, उसके नाम फतवा जारी हुआ था और भारत के मौलवियों ने ही जारी किया था, वो कोई बाहर से नहीं आए थे। तो आप ये मत कहिए कि भारत में इस चीज पे, मैं आपको मौका देता हूँ। तीसरा सवाल, आपने जो कहा, आपने कहा हमें अमन का पैगाम बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने साथ ही कहा कि इन चीजों को पढ़ेंगे तो इस्लाम समझ में आएगा, कहीं ना कहीं सुपरमेसी की बात तो आप कर रहे हैं मौलाना साहब जी। देखिए, आपने जिस बच्ची की गीता पढ़ने की बात की है, आप नेट उठाइए, नेट पे सर्च कीजिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो लड़की मेरे साथ डिबेट में थी, मेरठ की लड़की है, मेरे साथ डिबेट में थी। जब उसने गीता पढ़ी, मैंने 42,000 रुपए की घड़ी उसको इनाम में दी थी, मैंने उसको, आप देखिए, मैं नेट पे पढ़ा मैंने हुआ है, देखा है मुझे अच्छा लगा। आपका देखा है मौलाना साहब, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने फतवा जारी किया, वो भी तो भारत से ही थे। अब यहाँ हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क बड़ा वसी है, 135 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, मैं क्या बोलूं, मैं मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हमारे ही मुल्क में बहुत बड़े बड़े साधु संत भी हैं और हमारे मुल्क में योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो अब क्या कीजिएगा उसके लिए, है ना, अपने अपने तरीके से बात रखने वाले लोग हैं। आप योगी आदित्यनाथ के, आदित्यनाथ के अलावा कोई और भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं मौलाना साहब, कोई मौलाना का ही एग्जाम्पल दे दीजिए। नहीं, आपको मौलाना कोई याद नहीं आए, उन्हीं मौलाना का नाम ले दीजिए जिन्होंने फतवा जारी किया था। देखिए, जो फतवा जारी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हमें कहां फतवा देना, असल में कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, वो ये समझते हैं। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी मौलाना साहब, इस्लाम जब शांति का पाठ पढ़ाता है तो उसी में फिर फतवा की गुंजाइश कैसे छोड़ दी, फतवा तो किसी का सर काटने को दे दिया जाता है। हर चीज पे फतवा नहीं होता है, फतवा दिया जाता है, फतवा एक राय होती है, और फतवा सिर्फ दिया जाता है इस्लामी तरीके पर, नमाज में क्या पढ़ना है, रोजे में क्या करना है, जकात में क्या करना है, हज में क्या करना है, कत्ल मारने वाली बात कहां से आती है। आप इस बात से सहमत हैं कि फतवे तो नमाज में कैसे करनी चाहिए या इस्लामी इसको कुरान को कैसे फॉलो करना चाहिए, उसके बजाय हम तो अक्सर देखते हैं फतवे की किसी का सिर काट दो, कितने लाख मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आप इससे कितना मारने के लिए फतवा नहीं दिया जाता, लेकिन फतवे तो आते हैं मौलाना साहब। जिससे बिल्कुल मैंने आपको मिसाल दे दी है ना कि सारे हर किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ ना। नहीं, ये बात है, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था, जाहिर है कि हर किस्म के लोग हैं और ऐसे लोगों की मजम्मत खुल के दूसरे मौलाना हजरात को करनी चाहिए जो इस्लाम के नाम पे फतवा बाजी, फतवा फरोशी और इस तरह के काम करते हैं। जाहिर है उनको रोक भी तो यही लोग सकते हैं ना, इन्हीं को चाहिए कि वो उनको रोकें। बेसिकली जो है बुनियादी, ये हम सब इस पे मुतफिक हैं कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है कि आप किसी की गर्दन मार दें और उसके खिलाफ फतवा जारी कर दें किसी की जान लेने की, तो ये इस बात पे तो हमें इत्तफाक है। हामिद साहब, आपके लिए एक सवाल है बांग्लादेश से। सरकार तनवीर अहमद है वो लिखते हैं, द ऑफिशियल नेम ऑफ सऊदी अरेबिया डिड नॉट से दैट दे आर इस्लामिक रिपब्लिक, वेयर इज पाकिस्तान सेज दे आर इस्लामिक रिपब्लिक, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन प्रमोटिंग रिलीजन बेस्ड एजुकेशन और कल्चरल एजुकेशन। देखें, पाकिस्तान में नाम रखने का जो है ना वो बहुत शौक है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें के हर नाम जो के पॉसिबल होता है ना किसी पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी उसका नाम रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक भी, खुद फाउंडर जो है वो तो उसको जो है वो एक सेकुलर स्टेट जो है वो कहते थे। तो नाम रखने से कुछ नहीं होता, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है खोसन रियासती सतह पे और हुकूमती सतह पे, वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा जो है वो गहरा है। ये जिस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आए दिन नजर आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कभी वो इस्लामोफोबिया की आवाज उठा रहे हैं, कभी जो है वो फ्रांस पे तनकीद हो रही है, कभी वेस्टर्न वर्ल्ड पे जो है वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनका जो पॉपुलिज्म है कि ये करके तो उनके चूंकि वोट बैंक में और जो वहां पे एक बढ़ती हुई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसकी हमायत में इजाफा हो रहा है, इसलिए वो इसको बात कर रहे हैं। इसलिए नाम रखने से
कुछ नहीं होता, बात ये जो एजेंडे की है। तो एजेंडा जो है वो इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, और रियासत मदीना के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि इस्लामिक मॉडर्न स्टेट की, जो के बाकी दुनिया की जो जमहूरी रियासतें हैं उनके साथ मिलके चलने की बात कर रही है, ख्वाब वो हिंदुस्तान हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या इसराइल हो। आपने अभी देख लिया कि ये जो बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतें हैं इंक्लूडिंग ये जो सऊदी और यूएई वगैरह की, इनके अंदर भी इसराइल के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात हो रही है, और पाकिस्तान में उसके खिलाफ फतवेबाजी जैसा कि अभी हमने कहा और सख्त किस्म का एक रद्द अमल है। इस वक्त इस्लाम का ठेका जो है वो पाकिस्तान ने लिया हुआ है, और ऐसे लगता है कि इस्लाम मक्के मदीने में नहीं बल्कि रावलपिंडी में उतरा था। इतनी शिद्दत पसंदी वहां पे है, इतनी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आप ये देखें ये इस्लामोफोबिया और ये फ्रांस के खिलाफ कहीं भी बात नहीं हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के, कोई नोटिस तक नहीं ले रहा है किसी भी मुल्क में, आप उठा के देख लें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। तो हामिद साहब जब इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान बन रहा है, मौलाना साहब एक सेकंड, तो चाइना के मुसलमान पाकिस्तान को नहीं दिखाई देते? और मैं एक जी मौलाना साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान रियासत मदीना की बात करेगा तो इससे ज्यादा मजाक वाली बात और कुछ नहीं होगी। काश पाकिस्तान में हमारे व्यूवर्स ये बात जरूर सुन लें, क्योंकि एक तरफ तो कोई खलीफा बनने की तैयारी में है, अब पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें, कभी वो अमेरिका की गोद में जाता है, चाइना की में जाता है, टर्की में जाता है, आजकल रशिया के साथ भी उन्होंने हैंडशेक कर लिया है, लेकिन उन्हें चाइना के मुस्लिम कभी भी मुस्लिम नजर नहीं आते हैं, ये बात समझ नहीं आती। जो मुल्क जकात फितरे पे पल रहा हो वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा? मैं इससे ज्यादा जकात तो अच्छी बात है ना मौलाना साहब, जकात देना और लेना पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती ना, पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान नहीं, नहीं, नहीं मेरे हिसाब से तो दे देनी चाहिए, वो भी अपना ब्रदर मुल्क है। और जहां तक गज़वा हिंद का सवाल मिश्रा जी ने किया था, मिश्रा जी अंसार रजा डंके की चोट पर डॉक्टर मनु साहिबा के शो में इस बात को कहता है कि गज़वा हिंद जैसा कोई भी नाम हम हमारे इस्लामी स्टडीज में इस्लामी किताबों में नहीं मिलता, कहीं गज़वा हिंद का कोई तस्करा नहीं है। देखिए कोई एक धर्म उसका जो ओवरऑल व्यू बनता है, परसेप्शन बनता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है बुक होती है जिसमें उनके प्रिंसिपल और फिलोसफीज और डायरेक्शंस लिखे होते हैं, दूसरा पार्ट होता है मतलब धर्म एक सिस्टम की तरह अगर आप देखिए, दूसरा पार्ट होता है उसको मानने वाले, उसको प्रैक्टिस करने वाले और इंप्लीमेंट करने वाले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और मैंने पढ़ा भी नहीं है इस्लाम और कुरान वगैरह, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, हम अपनी जिंदगी में इतने हमारे पास प्रॉब्लम है डेवलप करने के लिए, हम उसमें उलझेंगे, हम कोई खाली नहीं बैठे हैं कि हम कहीं और इल्म लेंगे, हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए। अब या तो जो चीजें लिखी हैं वो गलत है, या जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत है। मैं मौलाना साहब को ये बोलूंगा, साहब आपका बच्चा क्या करता है वो तरबियत आप देंगे, गलत है उसको आप बताएंगे कि गलत है, पहला चाटा आप मारेंगे। भाई मेरे पास अगर वो कुछ करने आएगा तो मैं तो रिटेलिएट करूंगा कहीं पे, जैसे फ्रांस ने रिटेलिएट किया। सबसे बड़ी ग्लोबल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड और मुसलमानों का कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है, सब लोग ये बोलते हैं कि किताब में तो इतनी खूबसूरत चीजें लिखी हैं, वही जब माइक मिल जाता है और बैठ के मुस्लिम जनता को बोलने लगते हैं कॉन्ट्राडिक्शन में, 500 कॉन्ट्राडिक्शन बताऊंगा। शराब पीना हराम है लेकिन जन्नत में जो आला तरीन मुसलमान होगा उसको खुदा अपने हाथों से शराब पिलाएगा, गजवा ये हिंद की कहीं बात नहीं है। सुनिए सर प्लीज नहीं सुनिए, मैं मानता हूं गलत है, लेकिन जो मौलाना लोग बोलते हैं हम इस्लाम को ऐसे ही समझेंगे सर, हम मक्का मदीना और मदरसे में जाके पढ़ के हम तर्जुमा नहीं करेंगे इस्लाम का, जो आप बोलोगे जो दुनिया बोलेगी और एक्ट करेंगे हम उसी हिसाब से आपका परसेप्शन बनाएंगे और दुनिया उसी हिसाब से बनाएगी। अब एक फर्क समझ लीजिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना इतना खूबसूरत है, अपनी बिरादरी में बोलने के लिए कुछ और है, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और है, किताबों में हवाला कुछ और देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल जब करना हो और जहां डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से जब इनको इंटरैक्ट करना हो और माहौल देख करके, वहां सिचुएशन एकदम बदल जाती है। ये जो तीन चार रूप है ना, ये रूप के कारण सारा मुस्लिम जगत अपने आप में उलझा पड़ा है। मैं मान लेता हूं सारे मुसलमान अच्छे हैं, कुरान हदीस अच्छा है, लेकिन सत्य एक ही होता है,
फिल्टर आप लोगों को करना है, मस्जिदों को करना है, मौलानाओं को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो लोग बोलते हैं ना कि दुनिया जानबूझ के इस्लामोफोबिया का जो है ये कर रही है, खड़ा कर रही है, ऐसे ही नहीं है सर। कोई आईआईटी इंजीनियरिंग पढ़ के उसी देश में हवाई जहाज लेके और अल्लाह हू अकबर मतलब अल्लाह इज ग्रेट का नारा लगाते हुए टावर पे लड़ा देगा, कोई कहीं खुदकुश बम्बार वो कर लेगा। अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पे वहां के राजा को, पहले बड़ा मॉडर्न था तालिबान के पहले, बीच चौराहे पे फांसी दे दी गई। अरे आपको मारना था तो एक सम्मानजनक आप उसको मौत देते, जिला बदर कर देते, देश निकाला दे देते, जैसे टर्की के लिए हुआ था, यूरोपियन इन लोगों ने किया था, भाई आप चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ये लोग पता नहीं, वहां पे भी ये आयते पढ़ते हैं या इस्लाम का हवाला देते हैं, कुरान का, हदीस का, कि कोई अगर दुश्मन मिले, ऐसे मिले तो उसको ये करो, चौराहे पे फांसी देना कौन सा इस्लाम बोलता होगा आप मुझे बताइए। कोई राजा को आपने राज्य जीत लिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग देखिए, मन क्रम और वचन, टेक्स्ट में क्या लिखा है, कुरान हदीस में क्या लिखा है, उसके बाद आप बोलते क्या है, प्राइवेट अपने मस्जिद में क्या बोलते हैं और पब्लिक में क्या बोलते हैं या किसी डिफरेंट मंच पे प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोलते हैं और प्रैक्टिस क्या करते हैं। प्रैक्टिस में भी डिफरेंस है, अपने ख्वाबगाह में क्या प्रैक्टिस करते हैं, ख्वाबगाह के बाहर क्या प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद दूसरे कौम दूसरी सभ्यताएं मिलती हैं तो क्या प्रैक्टिस करते हैं। हर जगह आपके पैरामीटर क्यों बदलते हैं साहब। और दुनिया को नसीहत मत दीजिए कि इस्लाम समझिए, पहले मुस्लिम लोग इस्लाम को समझ ले फिर दुनिया जाएगी। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है सर, हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अपने तब्दीली अपने आप अंदर लाने के लिए, हमारे पास पचासों चैलेंज है पढ़ने पढ़ाने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए हम बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है दुनिया में। दुनिया में एक ही टाइम है जो फ्रांस कर रहा है, इसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास। मौलाना साहब आपसे बस ये व्यूअर का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। अरुण प्रधान जी पूछते हैं, भारत में मुस्लिम आबादी अपने व्यवहार में पहले इस्लामिक होते हैं, बाद में वे शायद अपने भारतीय होने का परिचय देते हैं, क्या रजा साहब इससे सहमत हैं? जी रजा साहब, असल में मसला क्या है, ये सवाल इस तरह से हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा है कि साहब आप पहले संविधान को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं। देखिए उसी संविधान में, फ्रांस में भी कर रहा है, जर्मनी में भी कर रहा है, पूरी दुनिया में कर रहा है। चलिए मान लिए, मान लेते हैं, हम एक बात आपको बता दें, मानिए मत मौलाना साहब, मानिए मत, दिल से मानिए या तो और या रहने दीजिए, मानिए मत। हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, उस इस्लाम में एक बात कही गई है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करके रहो, और इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। तो हम जिस भारत में रहते हैं या जो आदमी जिस मुल्क में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती कि उस मुल्क से मोहब्बत करे करे, और हम अपने भारत में रहते हैं। और माशाल्लाह अगर हम मक्का मदीना की बात ना करें, मैं सऊदी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहिबा, मैं मक्का और मदीना चूंकि बहुत मुकद्दस मकामात है हमारे, ये मक्का और मदीना के अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया में भारत से अच्छा दूसरा कोई मुल्क नहीं। मिश्रा जी आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क है इस पर? देखिए मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये है, मैं मान लेता हूँ कुरान वगैरह सब सही है, बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हुई हैं हदीस वगैरह में, प्रॉब्लम ये है 1400 साल से इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है। तब भी इस्लाम का डर था, मुसलमानों का डर था, आज भी है, अब फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मनी वाले विरोध में है, सब जगह है, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो मैंने बोला एज ए होल देखा जाए तो एक रिलीजन कंप्लीट तब होता है उसकी प्रिंसिपल, उसकी आइडियोलॉजी जो बुक्स में है उसको फॉलो करने वाले लोग प्रैक्टिकल धरातल पे इंप्लीमेंट क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी की, राजाओं की, शासकों की अपनी फितरत है कि अपने हिसाब से बेडरूम से शुरू करके ड्राइंग रूम तक आएंगे इस्लाम बदल जाएगा, घर के बाहर रखेंगे इस्लाम बदल जाएगा, मस्जिद में जाएंगे तो लिखा कुछ और है, इंप्लीमेंटेशन कुछ और है, किसी काफिर से मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग से मिलेंगे, वहां पर फिर इस्लाम के दूसरे जो है आपको गाइडलाइन आ जाते हैं और इंप्लीमेंटेशन बदल जाता है। सत्य एक होता है, चाहे वैज्ञानिक से देखिए दृष्टिकोण से चाहे उससे, ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक ये लोग दूर नहीं करेंगे ना तब तक ये जो उल्फत टाइप की छाई हुई है इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामोफोबिया जो बन रहा है उसके लिए दूसरे लोग वो नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगा, ये हमेशा फोर्स करते हैं कि आप कुरान पढ़िए आप इस्लाम को समझिए, अरे हम क्यों पढ़े, दूसरे धर्म के लोग क्यों पढ़े, हमारे पास 500 काम और है, गलती आपने की है, करेक्शन, क्या आपके पास इतनी भी अकल नहीं है कि आप खुद पढ़ के समझ करके दूसरों को देख के करेक्ट कर लें। एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मैं पढ़ूंगा ना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, कहां गलत लिखा था,
तो इन देखिए अभी भी ये एक जाल है, पूरी दुनिया के लोगों को ये पॉजिटिव वे में, सॉफ्ट वे में बोल रहे हैं कि भाई आप पढ़ो, आप समझो, ट्रांसलेटेड बुक्स है। दुनिया के पास टाइम नहीं है साहब, दुनिया वही करेगी जो फ्रांस और जर्मनी सब लोग कर रहे हैं। अगर आपको बदलना है, आपको तरक्की याफ्ता बनना है, तो आप पढ़िए, आप बदलिए, आप चेंज करिए, दुनिया को मत बोलिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये सारी उल्फत खत्म हो जाएगी।